दोस्तों आज मैं ऐसे दो फोन का कंपैरिजन करने जा रही हूँ जो कि एक फ्लैगशिप लेवल के फोन है एंड ये दोनों ही फोन अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं। और जो पहला फोन है वो है मोटो एच 50 प्रो एंड जो दूसरा फोन है वो है वन प्लस नोट सीई 4। हम इन दोनों ही फोन का कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों ही फोन में आपको सेम प्रोसेसर मिलता है एंड दैट इज स्नैपड्रैगन 7 Gen 3। एंड यहाँ पे आपको दोनों ही फोन में जो रैम टाइप है वो भी सेम है, LPDDR4X रैम टाइप मिल रहा है, पर यहाँ पे जो स्टोरेज टाइप है वो डिफरेंस। यहाँ पे आपको OnePlus Note CE 4 में 3.1 आपको यहाँ पे स्टोरेज टाइप मिल जाता है एंड यहीं पे आपको Motorola Edge 50 Pro में आपको यहाँ पे 2.2 यहाँ पे आपको स्टोरेज टाइप मिल जाता है। बट यहाँ पे जो ये प्रोसेसर सेम है लेकिन जो प्राइस है इनमें डिफरेंस है। जो Motorola Edge 50 Pro है जो इसका 8GB रैम प्लस 256GB जो स्टोरेज वेरियंट है वो आपको कॉस्ट करता है 29,999 का, यानी कि आपको 30,000 में आपको ये फोन कॉस्ट करता है। और वही मैं बात करूं OnePlus Note CE 4 की तो जो इसका 8GB RAM प्लस 256GB जो स्टोरेज वेरिएंट है वो आपको कॉस्ट करता है 26,999 का एंड यहाँ पे आपको OnePlus में 1500 का आपको यहाँ पे बैंक डिस्काउंट मिल जाता है, यानी कि आपको ये वाला फोन 25,000 के अराउंड ही आपको फोन कॉस्ट करने वाला है। तो बेसिकली आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे 3,000 से 4,000 का यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख जाता है प्राइस के अंदर। और यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि प्राइस डिफरेंस क्यों है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि Motorola Edge 50 Pro के अंदर हमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको IP68 की रेटिंग मिल जाती है एंड यहाँ पे आपको 50 वॉट का आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे कैमरे में भी आपको टेलीफोटो लेंस दिए गए हैं, तो इस वजह से आप यहाँ पे प्राइस डिफरेंस भी देख सकते हैं। लेकिन हम इन दोनों ही फोन को डिटेल में बात करने वाले हैं कि और भी क्या डिफरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को डिले ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे दोनों की बैटरी के बारे में बात करें तो Moto Edge 50 Pro में आपको यहाँ पे 45,000 mAh की बैटरी मिलती है जो सपोर्ट करती है 125 वॉट के चार्जिंग स्पीड को एंड 50 वॉट का आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है। और वही बात करूं मैं OnePlus Note CE 4 की बैटरी की तो यहाँ पे आपको 5,500 mAh की बैटरी मिलती है जो सपोर्ट करती है 100 वॉट के चार्जिंग स्पीड को, तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो आपको Motorola में आपको यहाँ पे 45,000 mAh की बैटरी मिल रही है, इसी की वजह से जो इसका डिजाइन है वो काफी ज्यादा आपको यहाँ पे स्लीक देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू OnePlus Note CE 4। बट ऐसा नहीं है कि आपको Motorola में आपको यहाँ पे बैटरी बैकअप नहीं मिलता, यहाँ पे भी आपको एक दिन का बैटरी बैकअप जरूर मिल जाता है, यहाँ पे आपको 50 वॉट का आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल रहा है। अब बात करते हैं दोनों ही फोन के डिजाइन के बारे में, तो जो ये Moto Edge 50 Pro है ये आता है वीगन लेदर के साथ एंड जो फ्रेम है वो भी आपको यहाँ पे मेटल का देखने को मिलेगा, एक शाइनी सा फ्रेम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड यही मैं बात करूं OnePlus Note CE 4 की, ये आता है पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ एंड जो फ्रेम है वो भी सेम आपको पॉलीकार्बोनेट ही यहाँ पे मिलने वाला है। अब बात यहाँ पे ये आते हैं कि आप क्या प्रेफर करते हैं, अगर आपको वीगन लेदर चाहिए तो आप Moto Edge 50 Pro को प्रेफर कर सकते हैं या फिर आपको एक पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बैक चाहिए तो OnePlus Note CE 4 को प्रेफर कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको OnePlus में आयर ब्लास्टर देखने को मिल जाता है जिसकी वजह से आप यहाँ पे जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है AC वगैरह आप उसको यहाँ से आप वर्चुअली आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये चीज आपको Motorola Edge 50 Pro में देखने को नहीं मिलता है। बट यहाँ पे आपको एक नॉइज कैंसिलेशन के लिए आपको एक एक्स्ट्रा माइक भी दिया गया है। अब हमने डिजाइन की बात तो कर ली, यहाँ पे अब बात करते हैं इन फोन के डिस्प्ले के बारे में। तो डिस्प्ले में ऐसा है कि यहाँ पे जो Moto Edge 50 Pro है ये आता है कर्व डिस्प्ले के साथ एंड जो OnePlus Note CE 4 है वो आता है फ्लैट डिस्प्ले के साथ। और आप यहाँ पे क्या प्रेफर करते हैं वो आप पे डिपेंड होता है, अगर आपको कर्व डिस्प्ले पसंद है तो आप OnePlus Note CE 4 को प्रेफर कर सकते हैं और अगर आपको एक फ्लैट डिस्प्ले पसंद है तो Moto Edge 50 Pro को आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पे डिस्प्ले साइज है इन दोनों की ही डिस्प्ले साइज सेम है। सो यहाँ पे अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो दोनों ही फोन्स के अंदर आपको 6.7 इंचेस के आपको यहाँ पे डिस्प्ले मिलने वाली है, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ये है कि Moto Edge 50 Pro में आपको PoLED डिस्प्ले देखने को मिलती है एंड जो रिफ्रेश रेट है 144 हर्ट्ज का आपको यहाँ पे रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। और वही मैं बात करूं OnePlus Note CE 4 की तो यहाँ पे आपको 6.7 इंचेस की एक फ्लूइड AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है जो वर्क करती है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पे। हालांकि जो यहाँ पे डिस्प्ले
डिस्प्ले साइज है वो दोनों का ही इक्वल है, बट यहाँ पे आपको जो एक में आपको कर्व डिस्प्ले मिल रहा है और एक में आपको यहाँ पे फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। इन दोनों ही फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे स्पीकर की बात करूं तो ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स मिल रहे हैं, डॉल्बी एटमॉस का यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल जाता है, तो दोनों के अंदर ही आपको स्पीकर क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी मिलने वाली है। अब बात करते हैं इन दोनों ही फोन्स की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको दोनों ही फोन्स में क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 आपको यहाँ पे प्रोसेसर मिल रहा है जो वर्क करता है 4nm के चिपसेट पे। तो यहाँ पे जो आपका मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस होने वाला है दोनों ही फोन में वो सेम ही होने वाला है। अगर आप डेली यूज में हल्की फुल्की गेमिंग करते हैं तो वो चीज आप इन फोन्स में कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर के मामले में एक चीज बोलूंगी कि ये दोनों ही फोन एंड्रॉइड 14 बेस्ड जरूर है, लेकिन OnePlus हमें 2 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट देता है एंड 3 साल का आपको सिक्योरिटी पैच अपडेट देता है, और यहीं पे Motorola H50 Pro आपको यहाँ पे 3 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट देता है एंड 4 साल का आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पैच अपडेट देता है। ये दोनों ही फोन क्लीन UI एक्सपीरियंस के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। हालांकि आपको OnePlus Note CE 4 में 2-3 आपको ऐसे एप्स मिलते हैं जो आपको अनइंस्टॉल करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपका मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस होने वाला है वो दोनों ही फोन में आपको अच्छा मिलने वाला है। लेकिन इस बार Motorola एक नई चीज जरूर लेके आया एंड दैट इज हेलो UI। इसके अंदर आप कंट्रोल सेंटर को भी चेंज कर सकते हैं एंड इसके अलावा भी आपको काफी सारे न्यू फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, और जैसा कि OnePlus Note CE 4 के अंदर जो आपको UI एक्सपीरियंस मिलता है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है। इसके अंदर यहाँ पे आपको ऐप लॉक मिल जाते हैं, डुअल लॉक का आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाता है, इसके अलावा भी काफी सारे अच्छे फीचर्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो दोनों ही फोन एक क्लीन UI एक्सपीरियंस लेके आते हैं, एक स्टॉक एंड्रॉइड वाला फोन है। तो अब हमने डिस्प्ले की बात कर ली, डिजाइन की बात कर ली, प्रोसेसर की बात कर ली, अब यहाँ पे हम बात करते हैं इन फोन्स के कैमरे के बारे में। तो कैमरे के बारे में अगर हम बात करें तो Moto H50 Pro में यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, 50 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा जिसके अंदर आपको OIS का सपोर्ट मिल जाता है, 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो है जिसके अंदर आप 3x तक ऑप्टिकल जूम कर सकते हैं एंड 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है एंड यहाँ पे आप मेन कैमरे में 4K की वीडियोस को 30fps से रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट कैमरे की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे वाइड कैमरा मिल जाता है जिसके अंदर भी आप 4K की वीडियोस को 30fps से रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड इवन आप 1080p की वीडियोस भी 60fps से रिकॉर्ड कर सकते हैं। और वहीं बात करें हम OnePlus Note CE 4 की तो इसके अंदर आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, 50 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा है एंड जिसके अंदर आपको OIS का सपोर्ट मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है एंड यहाँ पे भी आप 4K की वीडियोस को 30fps से रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट कैमरे की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा है एंड यहाँ पे आप 1080p की वीडियोस को 30fps से रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे कैमरे की बात तो जरूर करी है, लेकिन यहाँ पे आपको Moto H50 Pro में एक चीज एडवांस चीज जरूर मिल रही है एंड दैट इज यहाँ पे आपको टेलीफोटो लेंस मिल रहे हैं एंड जो थर्ड कैमरा है वो भी अल्ट्रा वाइड आपको यहाँ पे कैमरा मिल रहा है। तो यहाँ पे आप जरूर समझ सकते हैं कि आपको Moto H50 Pro में काफी सैचुरेटेड कलर्स देखने को मिल जाएंगे। जो कलर्स आप यहाँ पे देखोगे काफी सारे नेचुरल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर आप लो लाइट में भी फोटो लेते हो तो OnePlus के अकॉर्डिंग Moto H50 Pro में अब ज्यादा बेटर क्वालिटी के आप यहाँ पे फोटोज निकाल सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो ये दोनों ही फोन अपनी अपनी जगह पे काफी ज्यादा बेटर है, लेकिन जो OnePlus का फोन है वो टारगेट उन्हीं लोगों को करता है जिन लोगों का जो बजट रेंज है वो अगर 25,000 के अराउंड है तो वो OnePlus Note CE 4 को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका बजट प्राइस थोड़ा आगे जाता है, अगर आप 3,000 से 4,000 और स्पेंड कर सकते हैं तो आप एक परफेक्ट Motorola का H50 Pro बाय कर सकते हैं जिसके अंदर आपको एक क्लीन UI एक्सपीरियंस मिल रहा है, अच्छी डिस्प्ले देखने को मिल रही है, अच्छा कैमरा मिल रहा है, अच्छा प्रोसेसर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, डिजाइन वाइज भी ये फोन काफी ज्यादा अच्छा है, तो डेफिनेटली आप इस फोन को भी कंसीडर कर सकते हैं। और साथ ही आपको यहाँ पे Motorola के अंदर आपको जो 2-3 चीजें एक्स्ट्रा दी गई हैं जैसे कि आपको IP68 की रेटिंग मिल रही है एंड यहाँ पे आपको टेलीफोटो लेंस मिल रहा है कैमरे के अंदर एंड इसके अलावा यहाँ पे आपको 50W का आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि जो बैटरी है वो 4500mAh की आपको यहाँ पे बैटरी मिल रही है, लेकिन आपको 50W का यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट यहाँ पे मिल जा रहा है। तो ये चीज आपके ऊपर, अगर आपका बजट रेंज 25,000 के अंडर है तो आप OnePlus Note CE 4 को भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका बजट रेंज थोड़ा एक्स्ट्रा जाता है तो आप Moto H50 Pro को भी कंसीडर कर सकते हैं। सो आपका क्या रिव्यू है इन दोनों फोन्स के रिगार्डिंग, ये चीज आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड इन दोनों ही फोन का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जरूर जाके वहां से चेकआउट करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड फॉर मोर सच वीडियोस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो आवर चैनल। थैंक यू।